पिछले सप्ताह हरिद्वार के रायवाला और कनखन में हुई अल्पसंख्यकों के विरुद्ध सांप्रदायिक हिंसा की तपिश अभी शांत भी नहीं हुई थी कि मंगलवार को पौड़ी गढ़वाल में नजीबाबाद से सटे एक कस्बे में मुसलमानों के खिलाफ सामूहिक हिंसा हुई। यहां अल्पसंख्यकों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा और रायवाला की तर्ज पर रिक्शा और रेहड़ी वालों को ही इसका शिकार बनाया गया। पीड़ितों के मुताबिक यह सब हिंदू संगठनों ने किया है। वो कह रहे थे कि देवभूमि को मुसलमान मुक्त किया जाएगा। यहां बड़े पैमाने पर मुसलमानों के विरुद्ध हिंसा हुई, उन्हें चिन्हित कर पिटाई की जा रही है। पौड़ी गढ़वाल में SSP जगत सिंह जोगी ने कैंप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह हरिद्वार के रायवाला के कनकपुर में एक युवक की ट्रेन से कटकर मौत हो गई थी। युवक लक्ष्मण सिंह एक मुस्लिम लड़की से शादी करने का दबाव बना रहा था, जबकि ये पहले से ही शादी शुदा था। बाद में उन्होंने ट्रेन से कटकर मौत हो गई। युवक के परिजनों ने आरोप लगाया कि ये हत्या हुई है, जिस पर 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन बाद में हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने रायवाला में मुसलमानों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उत्तराखंड में लगातार मुसलमानों के विरुद्ध घटनाएं हो रही हैं, जो एक खतरनाक साजिश की ओर संकेत कर रही हैं। सहारनपुर निवासी देहरादून के पत्रकारिता करने वाले पत्रकार के मुताबिक मुजफ्फरपुर दंगे से पहले भी ऐसी घटना तेज हुई थी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह लगातार उत्तराखंड के दौरा कर रहे थे। उत्तराखंड की फिजाएं ठंडक की खत्म होती जा रही है और सांप्रदायिक कट्टरता तेजी से उभर कर सामने आ रही है, जिससे हालात और बेकाबू हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पलपल न्यूज़।